दोस्तों नमस्कार। ठीक है, आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पंछियों के बारे में। ठीक है, पंछी यानी जिसे देसी भाषा में बोलते हैं लोग गांव में, मुक्का। ठीक है, मुक्का यानी पंछ कैसे मारते हैं, किस तरीके, सही तरीका क्या है बनाने का और कहाँ मारते हैं, सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप बजाओ की यानी अपनी आर्मों की बजाएं बोलते हैं इनको, इनकी प्रैक्टिस करिए पहले दोनों तरफ से, आगे से और पीछे से। ठीक है, देखो इस तरह करने, इस तरह करिए सबसे पहले और फिर आप पीछे से करिए। इससे क्या है आपकी जो जॉइंट तो 10 से 15 बार करिए। ठीक है दोस्तों, करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि सही तरीके से, इस तरीके से। चलो इसे हो जाने के बाद अब पंचों की बात करते हैं, पंच कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से सही तरीका है पंच बनाने का, गौर से देखिए, यह सही तरीका है पंच बनाने का। इसी तरह बनाएं, अन्यथा अदर और किसी भी तरीके से बनाओगे तो आप गलत पंच माना जाएगा। ठीक है, पंच किस तरीके से रखना चाहिए जब मारते हैं, तो स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का सा, थोड़ा लचीला, बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा जब किसी किसी की भुजाएँ ऐसी होती हैं, स्ट्रेट रखने से उनकी भुजाएँ थोड़ी लचीली हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, लचीली यानी अंदर को जो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह मैंने बताया, इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब पंच किस तरह चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना है सबसे पहले, आपको अपनी नी को बेंड करना है, यानी हॉर्स हॉर्स पोजीशन में आना है। इस पोजीशन को बोलते हैं हॉर्स पोजीशन, यानी अपनी नी को थोड़ा बेंड करके करके तब पंच चलाना है। ठीक है, इस तरह पंच चलाना है आपको, देखो इस तरह से। ठीक है, पंच एक्यूरेट फेस फेस का टारगेट रखिए कि मुझे फेस पे मारना है, तो फेस पर ही आप मारिए। ठीक है, तो इस तरह देखो, फेस पे सिर्फ ध्यान रहे, सिर्फ फेस पे पंच आपको मारना है। इस तरह कम से कम 15 से 30 बार करिए आप, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको पंच मारना है। ठीक है, ध्यान रहे इसी तरह से। अब देखो इस साइड से बताओ, देखो किस तरह पंच जा रहा है, किस तरह आ रहा है, देखो गौर से देखिए। ठीक है, इसी तरह से जाएगा पंच, उसी तरह से आएगा। चलो दोबारा फिर बताते हैं आपको पंच कैसे बनता है। देखो इसी तरह से ही पंच आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करिए, बाकी तो सब।